नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल वत्स सुवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम इसकी समीक्षा करेंगे कि भारत में कोरोना का जो दूसरा लहर है वो क्या सिर्फ एक संयोग है या बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश में क्या भारत के लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसको शह दिए हैं? जिन लोगों ने भी यह साजिश की है उनके टारगेट पर कौन कौन से लोग थे? और मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ज्योतिष के रास्ते से कुछ चीजों को बताने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि उसके साथ साथ कुछ साइंटिफिक डेटा भी आप लोगों को दूंगा और एविडेंस के साथ एक एक चीज का हार्डकोर एविडेंस दूंगा। घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, और वीडियो के अंत होते होते मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कन्विंस हो जाएंगे कि यह प्रश्न कुंडली जो इशारा कर रहा है कि इसमें एक इंटरनेशनल साजिश है वो बिल्कुल सही है। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने पिछले एक महीने में बनाई है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें कोरोना के 5 अलग अलग वायरस के स्ट्रेन का नाम है, और ये 5 स्ट्रेन जो वायरस है के हैं कोरोना के, ये 5 स्ट्रेन अभी भारत में हैं। इसमें जो सबसे पहले है ये प्रीवियस स्ट्रेन जिसमें नंबर लिखा हुआ है B1.3629, ये वो कोरोना का स्ट्रेन है जिससे भारत पिछले साल पीड़ित हुआ था। उसके बाद ये यूके स्ट्रेन है, ये यूके स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से भारत आया। कैसे आया, क्या ये संयोग था, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इस स्ट्रेन को सबसे ज्यादा पाया गया दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाले क्षेत्रों में, और ये किसान आंदोलन के बाद ज्यादा फैला। ये तीसरा स्ट्रेन जो है इसका नाम है महाराष्ट्र स्ट्रेन, नाम ही है महाराष्ट्र स्ट्रेन। और लास्ट में देखिएगा इसमें डीएम मैंने लिखा है, डीएम का मतलब होता है डबल म्यूटेंट। इसमें 2 वायरस को म्यूटेट करके एक वायरस बनाया गया है या बना है, आप उसको जिस तरीके से भी देखना चाहे। इसमें एक वायरस तो भारत का वायरस है लेकिन दूसरा वायरस जो है वो पता नहीं कैसे अमेरिका का वायरस है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और अब ये बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गया है। उसके अलावे भी 2 स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन, इसके भी कुछ केसेस भारत में पाए गए हैं। अब मैं आता हूं अपने असल मुद्दे पर। आप लोगों ने देखा है इस प्रश्न कुंडली को जो 2 मई का है, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न था बंगाल का क्या होगा, जिसका हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया और बहुत ही विस्तार से आपको एक एक ग्रह के बारे में बताया। उस प्रश्न का दूसरा हिस्सा था क्या ये कोरोना कोई साजिश है। एक प्रश्न कुंडली 3 प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। आज मैं ग्रहों के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को इस प्रश्न कुंडली के 3-4 मेन पॉइंट्स की फिर से याद दिला दूं। यदि आप नया भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका जो नक्षत्र राइजिंग है वो हस्त है, और हस्त नक्षत्र जो होता है वो पावर को भी रिप्रेजेंट करता है और सीक्रेसी को भी, छुपी हुई चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। और संयोग देखिए कि हस्त नक्षत्र का जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें छोटी आंखों की चर्चा होती है, छोटे आंखों की चर्चा होती है, वैसी आंखें जैसे ममता बनर्जी की है या फिर चाइनीज लोगों की होती है। इसमें दूसरा देखिएगा, 12वें भाव के स्वामी सूर्य 8वें में बैठे हुए हैं, एक इंटरनेशनल एजेंडा की तरफ ये इशारा करता है।
तीसरा देखिएगा, जो ये तीसरा भाव है इस कुंडली का, पराक्रम का भाव, इनिशिएटिव्स का भाव, वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वैसे भी छुपे हुए चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस तरीके का पराक्रम हुआ है उसमें भी सीक्रेसी के बारे में ये तीसरा भाव बताता है। आठवां भाव भी सीक्रेसी के बारे में बताता है, छुपे हुए चीजों के बारे में बताता है। आठवां भाव यानी कि डेथ के भाव का स्वामी मंगल का दसवें में बैठना आर्द्रा नक्षत्र में, आंसू वाले नक्षत्र में, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चौथा भाव यानी कि पब्लिक सपोर्ट का भाव, पब्लिक का भाव, उसके स्वामी गुरु का रोग ऋण दुश्मन के भाव में बैठना, यह भी एक कहानी कहता है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं क्या क्या हुआ, और फिर आप खुद निष्कर्ष निकालिएगा कि इन सभी चीजों से क्या समझ में आता है। देखिए, जब कोरोना पिछले वर्ष फैला पूरे विश्व में, तो ऐसा माना जा रहा था कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कोई देश होगा तो वो भारत है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है भारत में, सैनिटेशन व्यवस्था यहाँ की बड़ी ही खराब है, यहाँ के लोगों का न्यूट्रिशन बहुत ही लो दर्जे का है क्योंकि 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यहाँ की हेल्थ व्यवस्था बहुत लचर है। और जिन लोगों को बहुत अच्छा माना जाता था, जिनकी जनसंख्या भी कम है, जहां व्यवस्था भी बहुत ज्यादा है, उन देशों में कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ, और भारत जिसको प्राइम टारगेट माना जा रहा था कोरोना का, वहां इसका उतना प्रभाव नहीं हुआ। यहां की सरकार ने अच्छा काम किया और इस सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई। भारत ने कोरोना को एक लिमिटेड लेवल तक तो रखा ही, साथ ही जब वैक्सीन की बात आई तो वैक्सीन बनाने में भी भारत उन तमाम विकसित देशों के साथ खड़ा नजर आया। उन देशों ने जब तक वैक्सीन बनाया तब तक हम लोगों ने भी दो वैक्सीन बना लिए, और जब वैक्सीन के एफिकेसी की बात आई तो भारतीय वैक्सीन उन तमाम वैक्सीन के साथ खड़ी नजर आई। हमारी एफिकेसी रेट बहुत अच्छी थी। हमारा जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको तो पाया गया कि कोरोना के हर स्ट्रेन पर वो कारगर सिद्ध हुआ। तो एक तो हमने कोरोना ज्यादा फैलने नहीं दिया, दूसरा कोरोना वैक्सीन बनाने में भी हम आगे रहे। कोरोना वैक्सीन का भी सबसे बड़ा बाजार भारत को ही माना जा रहा था, और इसके वजह मैंने आपको पहले गिनवा दिए, लचर हेल्थ व्यवस्था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डायबिटीज के दुनिया भर के केस, कोमॉर्बिडिटीज बहुत है हिंदुस्तान में। तो वैक्सीन निर्माता कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। 140 करोड़ की जनसंख्या यदि आप देखिएगा तो दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप इंक्लूडिंग रशिया और ऑस्ट्रेलिया, मैं देशों की बात नहीं कर रहा हूं, चार महादेश की बात कर रहा हूं, इन चारों महादेश की जनसंख्या को जोड़ दीजिए फिर भी भारत की जनसंख्या से कम रह जाती है। तो भारत में जब कोरोना फैलता तो वैक्सीन कंपनियों का सबसे बड़ा व्यापार भारत में होता, लेकिन भारत ने वैक्सीन भी बना लिया, और सबसे बुरी बात क्या हुई, भारत वैक्सीन दूसरे देशों को देने भी लगा, कई देशों को तो मुफ्त में भी वैक्सीन दिया भारत ने। और उसी समय में 30 नवंबर के लगभग भारत में एक आंदोलन शुरू होता है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जिस बिल को मुद्दा बनाकर आंदोलन किया गया था, वो बिल 5 महीना पहले पास हुआ था, उस समय किसानों ने, तथाकथित किसानों ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन नवंबर में किसान आंदोलन लॉन्च किया गया। और किसान आंदोलन में यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे लोग आते हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कोरोना वहां खूब फैलता है, लेकिन बातों को दबा कर रखा जाता है, इन बातों को बाहर नहीं आने दिया जाता है। यूके स्ट्रेन जो मैंने दिखाया था, यूके स्ट्रेन वहीं से बाहर से आया, अब जान कर लाया गया या संजोगवश आ गया ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हस्त नक्षत्र, रिमेंबर सीक्रेसी, बहुत सारी बातें छुपी हुई है, स्पष्ट बता रहा है।
वैक्सीन जैसे ही लॉन्च होता है 15 जनवरी को, लॉन्च होने के ठीक पहले भारत के कुछ बहुत बड़े बड़े विपक्षी नेता सामने आते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि यह वैक्सीन गलत है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये धंधा करने का तरीका है, इससे इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाएगा, इससे नपुंसक हो जाएंगे लोग, और वैक्सीनेशन के ड्राइव को स्लो किया जाता है। एक तरफ चुपचाप किसान आंदोलन के माध्यम से कोरोना को फैलाया जा रहा था और दूसरे तरफ वैक्सीन को भी फैलने से रोका जा रहा था। उसी समय में याद कीजिए 21 जनवरी को भारत के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट में एक आग लग जाता है और वैक्सीन की स्पीड को बढ़ाने की जो कोशिश थी उसको रोक दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार इसमें जांच पड़ताल के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, पब्लिक में यह अनाउंस कर दिया जाता है कि यह तो शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था और इससे वैक्सीन के निर्माण पर कोई असर नहीं होगा। याद कीजिए उसी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदर पूनावाला को हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले धमकियों की वजह से देश छोड़कर भाग जाना पड़ता है। अब हम लोग दूसरे तरफ आते हैं। 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है, डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, जो बाइडेन आते हैं, और जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आती है एक पुराने सिक्योरिटी कानून को उन लोगों ने आधार बनाकर यह कहा कि हम भारत के वैक्सीन कंपनियों को कच्चा माल नहीं दे सकते। क्या इशारा करता है ये? लेकिन भारत ने भी अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले। उसी के ठीक बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि हम रूस के स्पुतनिक वैक्सीन को भारत में मंजूरी दे रहे हैं। अमेरिका वालों की तो हवा खिसक गई, उन लोगों ने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और सडनली रातों रात पता नहीं अमेरिकन्स कैसे दरिया दिल हो गए इतने, जो बाइडन कैसे इतने सहृदय हो गए और कमला हैरिस कैसे पानी पानी हो गई, भारत के लिए कैसे उनका दिल पसीज गया सडनली। रातों रात उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि भारत ने हमको कठिनाई के समय में मदद की थी, अब हमारी बारी है, हम भारत को ऑक्सीजन भी देंगे, ऑक्सीजन प्लांट भी देंगे, वेंटिलेटर भी देंगे, वैक्सीन का कच्चा माल भी देंगे। आप समझिए ये पूरा वैक्सीन का खेल चल रहा था। और इधर आप देखिएगा कोरोना उन्हीं राज्यों में पता नहीं क्यों ज्यादा फैल रहा था जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स नहीं है। महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट कब इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसी को नहीं पता चला, और ये जितने भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे इन्होंने शुरू में कोरोना के केसेस को दबाने का पूरा प्रयास किया, रिपोर्टिंग नहीं हुई ताकि केंद्र सरकार कोई समुचित व्यवस्था कर सके। आपको याद होगा एक समय ऐसा था फरवरी में जब कोरोना की रिपोर्टिंग चालू हुई, उस समय में भारत में यदि 100 केस आते थे तो 63 केसेस महाराष्ट्र के होते थे, मोर देन 60% ऑफ द केसेस वर फ्रॉम महाराष्ट्र। और फरवरी में महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी? महाराष्ट्र सरकार कोरोना से लड़ने में व्यस्त नहीं थी, वो अपने आप से लड़ने में व्यस्त थी। वहां कौन चल रहे थे? वहां सचिन वाजे चल रहे थे, वहां परमबीर सिंह चल रहे थे, वहां अनिल देशमुख चल रहे थे, वहां हिरेन मनसुख का मर्डर चल रहा था, एंटीलिया के बाहर बॉम्ब का केस चल रहा था। छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, इन जगहों पर कोरोना सबसे ज्यादा फैला। और तब जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये हमारे साइंटिस्ट्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में एक नया म्यूटेंट वायरस का आ गया है, तब सडनली पता नहीं WHO कैसे जागा और रातों रात WHO को पता चल गया, वो एक स्टेटमेंट दिए ये महाराष्ट्र में जो कोरोना का नया स्ट्रेन निकला है ये 17 और देशों में भी है। सडनली WHO को क्यों सफाई देनी पड़ी पता नहीं। कुछ और सवाल हैं जो मन को झकझोरते हैं। कहा जाता है कि ये जो दूसरा है स्ट्रेन वायरस का, ये हवा में बहुत तेजी से फैलता है,
आप याद कीजिए उसी समय में भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, और आप इस समय में इंटरनेशनल मीडिया को भी ध्यान रखिए, इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह मोदी जी के खिलाफ चर्चे थे। कहा जा रहा था कि कोरोना जो भारत में फैला है उसके पीछे मोदी जी का अरोगेंस है, मोदी जी इस चीज को देख नहीं पाए, मोदी जी ने इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की। अमेरिका वगैरह जैसे देशों ने तो मदद के नाम पर यह घोषणा कर दिया कि अब हम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स नहीं देंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट्स और एनजीओस को फंड्स देंगे मदद के नाम पर, क्योंकि वो जानते थे यहां बहुत सारे एनजीओस की जो भी विदेशी फंडिंग थी वो मोदी जी की सरकार के आने के बाद बंद हो चुकी थी, और ये इवेंजलिस्ट्स को और जिहादिस्ट्स को काम करने में यहां बन नहीं रहा था। कोरोना उन लोगों के लिए एक हथियार बन गया भारत में फिर से पैसा भेजने का। और इलेक्शंस में भी इन लोगों का टारगेट था मोदी को बिल्कुल डाउन करो, कोरोना को फैलाओ, कोरोना वैक्सीन का व्यापार भी होगा, पैसे भी आएंगे, और मोदी सरकार को हम किसी तरीके से डिमोरलाइज करने में सफल होंगे, राज्यों में हराने में सफल होंगे। कुछ हद तक वो सफल हुए, पूरे हद तक नहीं हो पाए। बीजेपी आसाम जीत गई, पांडिचेरी जीत गई, बंगाल में बीजेपी को जो सफलता चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन बंगाल में भी बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। जो सवाल सबसे ज्यादा मन को कचोटता है वो ये है कि जब हवा में ये फैलता है कोरोना का वायरस, तो भारत के साथ दो ऐसे देशों की बाउंड्री लगती है जो बिल्कुल पोरस है। भारत में यदि ये हवा से इतनी तेजी से फैल रहा है तो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, जो लोगों का आना जाना है, डेली हजारों की संख्या में लोग इस पार आते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं, बांग्लादेश में उतनी तेजी से क्यों नहीं फैला? नेपाल का बाउंड्री उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ लगता है, बिल्कुल खुला हुआ बाउंड्री है, हजारों नहीं लाखों लोग डेली आते हैं जाते हैं, बेटी रोटी का संबंध है बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का नेपाल के साथ, खास करके जो बॉर्डर एरियाज है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से कोरोना फैला उतनी तेजी से नेपाल में क्यों नहीं फैला? ये प्रश्न है, सोचने समझने लायक प्रश्न है। तो आप ध्यान रखिए, ये जो कोरोना है ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक तीर से कई निशानों को लगाने का प्रयास किया गया था। सबसे पहला निशाना तो ये था कि भारत में अफरा तफरी लाओ, लोगों को कोरोना से ग्रस्त करवाओ और फिर वैक्सीन को बेचो। लेकिन भारत पर शायद भगवान की मेहर है और हमेशा से रही है, आज भी यह देश धर्म पर चलता है। आप देखिए, मैंने कोरोना पर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने उसी समय में कहा था, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, कि 30 अप्रैल को जैसे ही मंगल और केतु नवांश में अलग अलग होंगे उसके बाद कोरोना प्लेटो करना शुरू करेगा, और देखिए वैसे ही हुआ। एक समय था अप्रैल में, 6 अप्रैल के बाद जब गुरु का परिभ्रमण हुआ था, हर 6 दिन में कोरोना डबल हो रहा था, कोरोना के केसेस। लेकिन आप 30 अप्रैल से देखिए, 1 मई से केसेस 3-4 दिन तो कम हुए और उसके बाद लगभग स्टेबिलाइज है, और 17 मई के बाद मंगल जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ेंगे आप कोरोना देखिएगा धीरे धीरे टेपर ऑफ करना शुरू करेगा, और 10 जून तक जब तक सूर्य ग्रहण आएगा ये कोरोना बिल्कुल अपने जगह पर आ जाएगा। तो आपने देखा इस प्रश्न कुंडली में जिन चीजों के प्रति इशारा है उन वो सभी चीजें एक एक करके हो रही थी, हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब जोड़कर देखने पर हम लोगों को समझ में आता है क्या कोभांड चल रहा था। मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत सारे लोगों ने मांग की है कि ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण पर मैं एक वीडियो बनाऊं। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।